ले जागृति की फ्रेंड खुशी एंड हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग हैं वापी में, जैसे आप लोग लास्ट ब्लॉग में देखा हम लोग वापी आए थे गणपति बप्पा का मस्त देर मतलब पूजा होने वाला है, मतलब मेरे जो भैया हैं गणपति बप्पा बैठाए तो फाइनली मत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। एंड अभी थोड़ा टाइम हम लोग जा रहे हैं गणपति बापा को लाने के लिए, तो फिलहाल तो भैया सब लोग रेडी हो रहे हैं, मैं तो रेडी नहा था तो उसको मस्त कर रेडी एंड मंगेश जी तेज को छुआ रेडी, तो फाइनली अभी जाने वाले एंड जगदीश मंगेश जी तेज नहाव का रेडी हो गया ना, तो फाइनली सब लोग नहाव का रेडी हो चुके एंड जाने वाले मैं मंगेश जी तेज, देखते हैं अभी भैया भी नहा कर रेडी हो तो सब लोग जाएंगे गणपति बापा को लाने। कार भी मस्त साफ हो गया पूरा, मंगेश ने पूरा कार साफ किया है क्या मंगेश, सही है दिस इज योर टैलेंट। कोई नहीं लगा जा रहे अभी पापा को लेने एंड मैं भैया मंगेश सब पूरा चिल्ला गई एंड भैया लोग भी जा रहे, भैया प्रमोद भैया बड़े भैया सब जा रहे एंड नीचे फुल डीजे बजेंगे, नीचे भी सोसाइटी का जो ये बिल्डिंग है गणपति वो भी है तो नीचे के भी काफ़ी ज़्यादा डीजे बज रहा है, तो ब्लॉगिंग करना पड़े वाला बहुत ज़्यादा मुश्किल बट ब्लॉगिंग तो करेंगे। फिलहाल तो चलते हैं हम लोग, देखो रेडी जागृति रेडी तुम ही चलने वाली हो, ओहो कोई नहीं मंगेश जी दस नीचे चलते हैं नीचे एंड फिलहाल तो बाइक एंड कार दोनों जाने वाला है, बाइक मैं चलाने वाला कार ये चलाने वाला है, तो क्योंकि कार में मतलब दोनों गणपति आने वाले हैं नीचे के लिए भी एंड हमारा ऊपर के लिए भी, तो बाइक से लेके जाएंगे एंड लेट्स गो बड़े भैया जागृति एंड जितेश मंगेश तो मेरे साथ बाइक पे जा रहा है, मैं बोला कार में जाओ तुम लोग फिर भी कार में नहीं जा रहे, मेरे साथ क्यों जा रहे पता नहीं बट कोई नहीं चलते एंड ओ भाई साहब अभी तक क्या ही सीन हो गया, मतलब कार निकलेगा कैसे, इधर भी गाड़ी एंड चेक दिस हमारा गाड़ी। तुम भी जा रहे हो ओ तुम लेके आना गणपति पापा को। नाउ गाइस फाइनली आ गए हम लोग पापा को घर लेके जाने के लिए एंड लास्ट ईयर मतलब मैं बाहर चला गया इसके समय लास्ट ईयर मैं नहीं आ पाया था पापा को लेने, बट इस बार मैं किधर बाहर नहीं गया इस बार आया हूँ पापा को लेने के एंड भैया जीते उनके सब उधर एंड फिलहाल जो दिन सामने मतलब लाइन से लगा है देखो गाड़ी पापा को लेने के लिए, मतलब बहुत जन कल परसों लेके जाते हैं, बहुत जन जिस दिन गणपति रहता है उसे सुबह में लेके जाते हैं, तो आज वही दिन है। फाइनली भी दो दो पप्पा है, एक अपना घर का है एंड एक सोसाइटी का जो बिल्डिंग का है वो नीचे का है, फाइनली सब लोग मंगेश जितेश भैया सब लोग एंड आदु क्या हुआ, तो फाइनली भी आरती होगा एंड अभी फाइनली पप्पा को लेके जाएंगे घर पे, फुल मजा फुल एक्साइटेड। ये चेक करेगा आज कितने सारे गणपति बप्पा एंड पब्लिक मोर या मोड है, जैसे आप लोग बोला था मैं बहुत जन होते सुबह में लेके जाते हैं ना, बहुत जन एक दिन पहले भी लेके जाते हैं एंड फाइनली एंड अभी भी इधर भी बहुत सारा गणपति पप्पा हैं जो कि अभी और भी जन लेके जाएंगे। मंगल मूर्ति मोरिया 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 मोरिया। फाइनली गाइस पप्पा को तो अभी कार में बैठा दिए एंड हम लोग जा रहे बाइक, मतलब भैया दो दो गणपति पप्पा पीछे हो गए एंड चलो फाइनली मौका आ गया भाई पप्पा को घर पे लेके जा रहे, मत बहुत ज़्यादा खुशी हो गया, साल में एक बार ऐसा दिन आता है पप्पा को घर पे लेके जाने का, कोई फटा चलते हैं अभी तो पूरी धमाल बाकी मुझे घर पे जाने के बाद, जो मज़ा घर पे आने के बाद है ना कहीं भी नहीं, कोई नहीं तो गाइज बाबा आ गए एंड अभी पूजा चालू हो रहा है एंड उसके बाद फिर पापा को ऊपर बैठाएंगे फिलहाल तो नीचे एंड उसके बाद ऊपर एंड डेकोरेशन चेक करेगा एंड कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कि कैसा है एंड मतलब काफ़ी हर साल का डेकोरेशन काफ़ी अलग रहता है एंड इस बार भी देखो महादेव का शिवलिंग है एंड बैकग्राउंड में चेक करें मस्त वाला हो रहा है एंड फिलहाल तो पूजा चालू हो गया, पूजा होने के बाद नीचे भी बिल्डिंग या गणपति बैठे हैं उधर भी पूजा में जाना है, तो यही पंडित जी हैं जो नीचे भी पूजा कराएंगे, फिलहाल तो इधर पूजा करने के बाद फिर नीचे जाएंगे चेक करें।
नमो दिव्य महादिव्य स्वाहा नमः प्रकृतिये हराय नियता पर्वताम अस्मितामः ओम ऐसे प्राणा प्रतिष्ठं तु ऐस्यामि हि पूजा कंप्लीट होने वाला है एंड पंडित जी देखो अभी सब लोग उठेंगे आरती के लिए एंड चेक दिस ऑडियंस एंड इस बार का डेकोरेशन हर मतलब लेवल अलग है क्योंकि लास्ट जो डेकोरेशन होता मतलब अलग था हर साल का अलग होता बट इस साल काफ़ी मस्त वाला हुआ है एंड शिवलिंग के ऊपर जल भी हो रहा है मतलब काफ़ी मस्त वाला है आप लोगों को रिव्यू में आगे दिखाता हूँ थोड़ा टाइम बाद थोड़ा पब्लिक कम हो जाएगा उसका मैं आपको दिखाता हूँ पूजा कंप्लीट हो चुका है एंड जागृति मोदक मिला खुश इतनी खुशी जागृति को इतनी खुशी आज तक कभी नहीं हुई पूजा हो चुका है कंप्लीट आरती एंड अभी चेक करें डेकोरेशन ये बप्पा एंड बैकग्राउंड एंड काफी मस्त वाला डेकोरेशन हुआ इस बार देखो भोले बाबा का ऊपर से जल गिर रहा है मस्त वाला इस बार का डेकोरेशन काफी मस्त वाला एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन जागृति क्या कर रही हो हाँ अच्छा लग रहा है पीछे जो पानी गिर रहा है काफी मस्त वाला दिख रहा है ये चेक करें वाह मस्त वाला आ रहा है पूजा हो चुका है कंप्लीट एंड अभी बिल्डिंग के नीचे जाते हैं क्योंकि बिल्डिंग के नीचे भी अभी पूजा है एंड जागृति बहुत परेशान करती है सही कोई नहीं नीचे चलते हैं नीचे कोई पूजा आती देखते हैं एंड शायद हो सकता है शाम को हम निकल जाएंगे एंड आज देख तो मजा तो बहुत आ रहा है ओ भाई जागृति बहुत परेशान कर रही है सब पूजा कंप्लीट हो गया नीचे का भी कंप्लीट हो गया एंड ऊपर का भी पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड फिलहाल तो अभी खाना वगैरह खाते हैं एंड सोच रहा हूँ दोस्त लोग से मिलने जाने के लिए जो स्कूल मेट के मेरे दोस्त लोग हैं बहुत मतलब कितने साल हो गए नहीं मिले एंड सोच रहा हूँ उधर ही जाने के लिए फिलहाल तो उधर जाते खाने पीने खाते हैं एंड उसके बाद लादू मस्ती करते चलो खाना आ गया खाने में क्या पूरी खीर एंड सब्जी मस्त वाला फुल मज़ा आएगा फटाक से खाने वगैरह खाते हैं देन उसके बाद तो दूसरों से मिलने जाऊंगा मैं बाहर तो हाँ तुम भी चलोगे हाँ तुम भी चलना है नहीं जागो चलना है हाँ। किधर नहीं हम लोग काम से जा रहे हैं मेरे को पता है कहाँ जा रहे किधर हाँ देख यही देख आँख से आंसू निकल रहे नेवर गिव अप
ले जागृति की फ्रेंड खुशी एंड पीयू, खुशी पीयू, पीयू नाम ध्यान में है, मैंने भी कमेंट किया था आपको। ओह थैंक यू, मार इसको मार, बहुत मस्ती करती गुजरात में एक, ये बहुत ज़्यादा मस्ती करती है गाइस सच में। एंड कमेंट करके बताओ कि इसको मैं क्या करूँ। हाँ सही बात है। ओ भाई बहुत बहुत मस्ती कर रही है। हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ काम से, देन उसके बाद सोच रहे एंड फिलहाल तो शायद से शाम को हम जैसे निकल जाएंगे मुंबई के लिए वापस, क्योंकि एक दिन के लिए आए थे हम लोग। बट कोई नहीं, मज़ा बहुत है। एंड पप्पा को घर पे लेके आए, फूल पूजा पूजा हुआ, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुआ था फिलहाल तो, एंड काफ़ी ज़्यादा मज़े गए फिलहाल तो। अभी मैं जाने वाला अपने फ्रेंड से मिलने के, जो कि मैं क्लासमेट से कितना साल हो गया उससे मिले हो गाइस, एंड स्कूल वगैरह देखेंगे। और जो मैं जो स्कूल से मैं पढ़ाई किया था वो भी स्कूल आप लोगों को दिखाने वाला था। फिलहाल तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं, एंड जो आगे का होगा आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखना है। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।